अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फूड एक्सपोर्ट कंपनी पाकिस्तान के सीईओ हमारे दरमियान हैं, आज मौजूद हैं। ये न्यू जर्सी में आए हैं, इनके छोटे भाई यहाँ पे वर्जीनिया में होते हैं, खालिद अवान साहब। तो वही अवान साहब हमारे बहुत ही मेहरबान हैं, हमारे ऑफिस कुलीग भी रहे, हमारे बॉस भी रहे, बहुत ही जेंटलमैन नफीस इंसान है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह फ्रेंड्स फूड एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से इनकी फर्म है, जो कि इनके बच्चे बाकायदगी से इसको चला रहे हैं और बहुत अच्छा कारोबार है सऊदी अरब में, अमारात में और दीगर बहुत से ममालिक में इनकी चीजें एक्सपोर्ट होती है, थाईलैंड वगैरह में। तो मैं अमेरिका में भी, इनका एक पर्पज ये भी है, एक तो फैमिली से भी मिलना, भाइयों से मिलना और बच्चों से मिलना, और दूसरा यहाँ के कारोबार को भी देखना है। तो वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं और वेलकम आपका अमेरिका में, आपकी तशरीफ आवारी का बहुत शुक्रिया। अपना फ्रेंड्स फूड एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में बताएं, क्या करती है और क्या इरादा है आगे जाके? ये हमारी जो है ना फ्रेंड्स फूड एक्सपोर्ट कंपनी, एक्चुअली सी फूड और फिशरी प्रोडक्ट जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारी तकरीबन मोर देन टू डेकेड्स से, यानी कि हमारी फ्रेंड फूड एक्सपोर्ट जो हमने बनाई थी सन 2000 में ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। तो अभी मेरा बेटा है बिलाल वहीद अवान, सीईओ जो है वहाँ पे माशाल्लाह, और दूसरे छोटे बेटे भी हैं, हमाद है, वकास है, तो सब अपना मिल के वो मेहनत करते हैं। और हमारा जो मेन काम है वो फिशरी प्रोडक्ट और सी फूड, इसकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी एक रेपुटेशन है अल्लाह पाक ने, यानी कि बड़ा एक नाम दिया हुआ है। हमारा जो फ्रेंड्स ब्रांड है ये काफ़ी मशहूर है पूरे मतलब मिडल ईस्ट में, हमारी सऊदीया में, यूएई में, कतर, बहरीन, इसके अलावा थाईलैंड और चाइना, मतलब फार ईस्ट भी, मिडल ईस्ट भी, दोनों तरफ हमारी एक्सपोर्ट जा रही है। और थाईलैंड में भी हमारा सेटअप है फ्रेंडशिप इंटेक्स के नाम से, हमारा बड़ा बेटा है सलमान वही, वो वहाँ पर भी हमारा सेटअप है, वहाँ से यानी कि एक्सपोर्ट भी होती है यूएई में, मिडल ईस्ट में, और वो इम्पोर्ट करके वहाँ लोकल सेल भी यानी कि करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सेटअप बन जाता है कि आपका दोनों जगह पर स्टेशन हो या सेटअप हो। तो ऐसा ऐसा यानी कि एक्सपेंड हो रहा है काम, और हमारी जो कंपनी है माशाल्लाह ये सर्टिफाइड है एसआर और आईएसओ 22000, और ये सारे सर्टिफिकेशन जो रेलेवेंट होते हैं सऊदीया के लिए, चाइना के लिए, वो सारी सर्टिफिकेशन हुई पड़ी है। और जो ये नया सेटअप हमारा जो वहाँ पे यूनिट हमारा प्रोसेसिंग बना है, इसमें सारी मतलब जदीद तरीन मशीनरी हमने लगाई हुई है, और क्वालिटी बिल्कुल यानी कि ऐसी है कि हमारे यानी कि जो भी जहाँ जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे बायर्स जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा मुतमइन है, तो क्वालिटी पे यानी कि हमारे यहाँ कोई वो कम्प्रोमाइज नहीं है। तो जब आपके पास सारी सर्टिफिकेशन कंप्लीट है माशाल्लाह, और मैं आपकी फैक्ट्री भी वहाँ विजिट की है जाके, और इतना बेहतरीन काम हो रहा है वहाँ पे, तो अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप यहाँ पे क्या इसको अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है यहाँ पे? जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये भी अभी हमारे जहन में है, अभी मैं आया भी हूँ इसलिए कि थोड़ा सा चले यहाँ से भी देख लेंगे, और चूंकि यहाँ की भी सर्टिफिकेशन हमारी जो कंपनी है वो अप्रूव हो चुकी है माशाल्लाह, तो अब इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा है इरादा कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे माशाल्लाह। वेरी गुड, चले बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और खालिद अवान साहब भी, इनके छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आज हमारे घर पे तशरीफ लाए ये लोग, हमारी बहन भी आई है खालिद भाई की, मिसेज जो है, और वहीद भाई आए हैं हमारे यहाँ पर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे न्यू जर्सी में हैं इतनी दूर से वर्जीनिया से बाय रोड माशाल्लाह, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ लोग आए। तो खालिद भाई जो है वो भी, और हमारी बहन जो है वो भी माशाल्लाह प्रॉपर्टी के यहाँ बिजनेस में बहुत माने हुए लोग जाने जाते हैं, इनका बड़ा नाम है। और मैं खालिद भाई से भी कुछ सवाल करूंगा। खालिद भाई कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? खालिद अवान साहब अब अमेरिका में? मुझे तकरीबन 35 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो अभी आप स्टेट के कारोबार में आपका इन्वॉल्वमेंट है माशाल्लाह? जी हाँ, बस मुझे शौक है लोगों की हेल्प करना, और जितने लोगों को मैं अपना घर दिला सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उनको रेंट देने के बजाय अपना घर लें ताकि वो अपनी मॉर्गेज पे करें।
ताकि किसी चीज को वो अपना कह सके। इसीलिए आपका मकसद है कि तमाम कम्युनिटी से आपका दोस्ताना है, चाहे इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, जी और जी सब लोग आपके फ्रेंड है, दोस्त हैं जो काफी लोग जी और सबको चूंकि आपने प्रॉपर्टी दिलाई। और वहीद भाई कहते हैं कि खालिद भाई इतने यहाँ सोशल हैं और हमारी बहन भी जो आपकी मिसिज है वो भी माशाल्लाह इतनी सोशल है कि आप लोगों ने यहाँ इतना काम अच्छा लोगों का किया हुआ है कि सबके दिल जीते हुए हैं। तो आजकल वैसे क्या प्रॉपर्टी लेना मुनासिब है? बिल्कुल, प्रॉपर्टी के लिए तो कोई भी टाइम गैर मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप अगर घर रहने के लिए ले रहे हैं तो आप जब भी घर लें समझे कि आप अपने लिए एसेट बना रहे हैं, माशाल्लाह आपकी आप अपने लिए रिटायरमेंट बना रहे हैं, क्योंकि आप रेंट पे रहेंगे तो आप किसी को रेंट दे देंगे, आप चाहे 10 साल देते रहें उसमें से कोई पैसा आपका वापस नहीं आएगा। अच्छा खालिद भाई, जैसे यहाँ पे लोग ज्यादा खेती बाड़ी के लिए या मकसद है कि जानवर पालने के लिए या अगर कोई ऐसे एग्रीकल्चर इनकम ले तो वो क्या अच्छा है काम है यहाँ पे और कौन से स्टेट में लेना चाहिए? ये काम आप जो भी करना चाहें अच्छा है, लेकिन आप पहले थोड़ा उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। अच्छा, क्योंकि आप अगर सिर्फ कहने सुनने पे कोई काम शुरू कर दें और फिर आपको उसकी नॉलेज ना हो कि क्या करना है तो फिर आपको लॉस ही होगा। अच्छा, या फिर आपके लिए स्ट्रगल बहुत होगा। अच्छा, आजकल ये इंटरेस्ट रेट बहुत चढ़ा हुआ है जैसे कि यहाँ, तो वो यहाँ मैंने ये सुना है अमेरिका में कि भाई जब अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो फिर आप दोबारा एग्रीमेंट बैंक से कर लें तो आप कम इंटरेस्ट पे भी आपका लोन जो है रिवाइज कर सकते हैं, ये सही है? आप कर सकते हैं, आप जिस टाइम भी देखें कि आप मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो आप रीफाइनेंस कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। अच्छा माशाल्लाह, उसमें आपकी मंथली पेमेंट बच जाती है। अच्छा, मतलब 7% इंटरेस्ट आजकल जो चल रहा है या 6.5 चल रहा है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा है। कि आप अमेरिकन को पूछे तो उन्होंने 18% तक भी घर लिए हैं। 18% पे? जी हाँ। ओहो, वो भी एक टाइम था कि जब इतना इंटरेस्ट आया था, लेकिन फिर भी लोग जो है घर लेते थे, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है ना कि रियल एस्टेट जो है आपकी, जैसे जमीन है आपकी, वो आप कभी भी नुकसान नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल। जी, आप घर में रहे। अब हमने जब अपना पहला घर लिया था 95 में, 85,000 का लिया था, $85,000 का। जी अच्छा, तो फिर उस घर को हमने तकरीबन 15 साल बाद बेचा तो 1,60,000 का बेचा, तो कितने पैसे डबल हो गए, तकरीबन 15 और 75,000 आपको डॉलर फायदा हुआ। फायदा हो गया, ठीक है ना, माशाल्लाह। और हमने इतना अर्सा घर में रहे भी, किसी को रेंट नहीं दिया। अच्छा, यानी आप खुद ही रहते रहे उसको? खुद ही रहते रहे ना घर में। सही है। अच्छा, यहाँ रेंट देना भी अगर आदमी करे तो कम से कम इसका बैंक का तो लोन निकल ही जाता है, उतर जाता है, ना? बिल्कुल, मतलब मेरे काफी क्लाइंट है जो कि इन्वेस्टर हैं, तो वो हर साल 1-2 प्रॉपर्टी लेकर रेंट पे दे देते हैं, तो जो रेंटर है वो उनकी मोर्टगेज पे करता रहता है। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते नहीं है और अमेरिका में भी नहीं रहते हैं, तो उनको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, वो किस तरह ले सकते हैं मकान यहाँ पे? जैसे बाहर रहते हैं उनको ये है कि अगर यहाँ पे बैंक लोन कोई नहीं देगा इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छा, लेकिन वो कैश पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो क्या वो उनके नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं? वो तो बैरून मुल्क रह रहे हैं पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों में रहते हैं, तो उनके नाम पे यहाँ प्रॉपर्टी परचेज हो सकती है? परचेज हो सकती है, क्योंकि मैं इस बारे में किसी इंडियन साहब के लिए पूछ चुका हूँ अपने लॉयर से, क्योंकि हम खुद काम नहीं करते हैं सारा, क्योंकि हमारे साथ लॉयर भी हैं जो ये सारा काम करते हैं। सही है। तो उनका यही कहना था कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और बाकी प्रोसेस जो है वो ही आपको समझा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा काम जो है सिर्फ प्रॉपर्टी ढूंढ के और आपके लिए निगोशिएट करना। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारे मुल्कों की तरह तो यहाँ नहीं है कि अगर यहाँ कोई रेंटल है या रह रहा है तो कब्जा कर लेगा, यहाँ तो कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कोई नहीं। और दूसरा एक यहाँ पे फायदा ये भी है कि यहाँ कुछ कंपनी है जो वो आपको सारा खुद ही हैंडल करती है, आपका रेंट भी खुद कलेक्ट करती है और सब आपके अकाउंट में जमा करा देगी पैसे, तो जो लोग 10% लेते हैं 10% लेते हैं तो वो खुद मैनेज करेंगे इस पूरा जो है, यानी यहाँ ओनर को उसकी कोई टेंशन नहीं होती। नहीं नहीं, काफी लोग ओवरसीज में रह के भी यहाँ पे प्रॉपर्टियां लेके रेंट वसूल कर रहे हैं, अकाउंट में पैसे चला जाता है। अच्छा, वहाँ अकाउंट तो यहाँ खुल जाता है तो कम से कम वो चला जाता है, तो उन लोगों के लिए बेहतर एक तरह से ना। बिल्कुल। तो मैंने भी ये देखा है कि लोग जो यहाँ प्रॉपर्टियां जो बैरून मुल्क से लोग आते हैं उनको मकसद है कि, तो आप वर्जीनिया में रहते हैं तो वहाँ इस वक्त प्रॉपर्टी का सही है रेट वगैरह, हाउसेस वगैरह का रेट वगैरह इस वक्त तकरीबन
पूरे अमेरिका में जहाँ भी देखें तो प्रॉपर्टी के रेट हाई जा रहे हैं। अच्छा जी हाँ, क्योंकि ओवरऑल इन्वेंटोरी कम है। अच्छा, खासकर स्मॉल टाउन जितने हैं ना। हाँ, क्योंकि बड़ी सिटी में काफी सारे लोग छोड़ के स्मॉल टाउन में मूव हो रहे हैं जब से ये वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम शुरू हुआ है ना कोविड के बाद। अच्छा, तो बहुत सी कंपनियों ने जो है बहुत से लोगों को चेक कर लिया है कि वो घर से काम कर सकते हैं। सही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी सिटी में जो महंगे महंगे घर थे उनको बेच के वो छोटे सिटी में जाके मूव हो रहे हैं और सस्ते घर ले रहे हैं, जबकि छोटे जो टाउन है उनके जो घरों की प्राइसेज है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब एक एक घर पे आठ आठ दस दस ऑफरें आ रही हैं। मैं खुद ऐसे घर बेच चुका हूँ जो कि 5 लाख का है तो उसको अगले ने 5.5 लाख दे के लिया, 50,000 ज्यादा दिया। अच्छा, जो आस्किंग प्राइस है यहाँ भी देखता हूँ, आस्किंग प्राइस जो लगते हैं उसके बाद ऑफर है उनसे ज्यादा आ जाती है। मतलब वो है ना डिमांड में ना, डिमांड फिर ज्यादा है, डिमांड चलता है। बिल्कुल माशाल्लाह, वो भी प्रोडक्ट है, आप उसकी अगर शॉर्टेज है तो प्राइस तो बढ़ी जाएगी, अब बढ़ेगी। और यहाँ भी ऐसा है कि यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू कम तो होनी नहीं है कभी भी, नहीं कम जो एक बार हो गई बिल्कुल ही, हमेशा प्रॉपर्टी की हमेशा वैल्यू ऊपर ही जाती है। हाँ भाई, मैं ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जैसे यहाँ तो प्रॉपर्टी का ऐसा है कि कम तो होगी नहीं जैसे ना जो है, तो ये मेरे ख्याल में खालिद भाई से ही पूछ भी लिया है कि भाई बैरून मुल्क रहने वाला भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है यहाँ पे। और दूसरी एक बात है कि यहाँ तो एक अमाउंट है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी फैमिली को लीगल स्टेटस भी मिल जाएगा यहाँ इसको, अगर एक अमाउंट यहाँ पे जैसे फर्ज करो 5 लाख डॉलर या जो भी है यहाँ पे, मुझे एक्चुअली नहीं पता, हाँ 1 बिलियन डॉलर या जो भी, अभी 5 तो पहले था मगर अब बढ़ा दिया कुछ लोगों ने, तो यहाँ और बहुत सारी चीजें हैं, वो तो आपको यहाँ का अटॉर्नी जो वकील है अगर आप यहाँ पे आके आप बिजनेस कर रहे हैं अमेरिकन को जॉब दें तो अच्छा, आपका लीगल स्टेटस बन जाएगा। अच्छा, कोई बिजनेस खोले 10 अमेरिकन को जॉब दे तो वो बात अच्छा, अमेरिकन के मायने ये की अमेरिकन से मुराद ये जो सिटीजन हो, इसमें अपना देसी भी को भी रख सकते हैं, जो भी सिटीजन हो जो यहाँ का टैक्स पेयर है उसको आप जॉब दे दें तो आपको मिल जाएगा। और बाकायदा जो एक सुकून वाला मुल्क तो है ना, हमारे मुल्क में तो जो टेंशन है अफरा तफरी है और नौजवान बेचारा डिस्टर्ब है परेशान है, तो यहाँ अगर आ जाए तो इन लोगों को मिल सकता है। सही बात है जी। ये खालिद भाई, ये मेरे फादर इन लॉ ने यहाँ पे फ्रूट लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं और यहाँ पे सब चीजें जो और भी है, मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ गुलाब के फूल है और आपको लेके चलता हूँ। आइए खालिद भाई, आपको भी दिखाऊं, वहीद भाई आप भी चले थोड़ा सा। ये हमारे फादर इन लॉ जो है ना, यहाँ पे देखिए इन्होंने ये टमाटर लगाया हुआ है और मिर्चे लगाई है, पीपर टमाटर लगाए यहाँ पे है ना, इसमें यहाँ ये जो अभी चूंकि आपको पता है यहाँ ठंड खत्म हुई है, बारिश खत्म हुई है, तो अब जो ये 1-2 महीने बाद बढ़ जाएंगे। इसी तरह देखिए ये गुलाब के फूल है, ये जो है ये हमारे फादर इन लॉ को बड़ा शौक है, आप ले सकते हैं, तोड़ ले आप ले लें अपने लिए, वहीद भाई आप ले लें, आप चाहे तो वहीद भाई को भी दे दीजिए। और उस तरफ जो है ना और दूसरे भी फ्रूट्स वगैरह लगाए हैं, जैसे यहाँ पे हमारे ये शहतूत का दरख्त है, ये वाला देखिए, ये शहतूत का दरख्त है, यहाँ बड़े मीठे ये शहतूत जो होते हैं ना हमारे, ये इसका दरख्त है, ये बहुत बड़े बड़े जो है बस अब निकलने वाले हैं शहतूत जो है, ये जो है। और ये मैं आपको तो आड़ू का दिखाता हूँ, आड़ू तो भी देखिए बहुत सारे लग भी गए हैं, आपको बताऊं ये आड़ू का, ये गुलाब का देखें कितना खूबसूरत, ये हमारे फादर इन लॉ को शौक है सारा है ना। ये आड़ू है देखें, ये लगे हुए आड़ू, वहीद भाई जरा थोड़ा सा लेट आए होते तो ये पक गए होते और आपको खिलाते। देखिए देख लिए तो हमें बड़े खुशी हो रही है, बिल्कुल ये आड़ू के देखिए, बड़ा सुकून वाला माहौल है और बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, बेहतर माशाल्लाह देखे कि आदमी जो है ना तो एक तरह से रिटायर्ड लाइफ वाला आदमी तो यहाँ रहे तो उसको बड़ा सुकून से जिंदगी गुजारता है ना,
अच्छा, प्रॉपर्टी के हवाले से जो फारिस भाई ने बात की। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मतलब एक तो ये है कि यहाँ एक चीज की वो श्योरिटी है कि कोई कब्जा करना या वो इलीगल चीज वो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरे जो कि इसकी वैल्यू दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी के ऊपर। रिटायर्ड बंदों के लिए भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। बहुत बिल्कुल सही। आपको कह लो कम से कम एक रेंटल इनकम जो है। हाँ। क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद बंदा यही सोचता यार मैंने अपना जो वर्किंग टाइम था वो तो कर लिया। हाँ। तो मुझे सुकून से चलो बैठ के रेगुलर इनकम होती रहे। विद भाई अगर आप मकान लेना तो खुद भी रहे और दो किराएदार रखे ना, $4,000 आपको मिल जाएंगे महीने। हाँ, बिल्कुल है ना। $4,000 में अगर आप यहाँ बैंक से लोन लेके भी करें ना, यहाँ पे जो मैं इमिग्रेंट की जो यहाँ पे जो रह रहे हैं सिटीजन है, जो हमारे जितने देसी हैं, वो यहाँ से लोन ले लेते हैं। सिर्फ यहाँ 10% देना होता है इनको मकान लेने के लिए। अगर 4,000 का मकान है तो उनको $40,000 देने खाली। $40,000 के बाद जो है ना आपको बैंक दे देगी सारा 90% ना। और बैंक अभी तो जो कोविड के दौरान तो 2% पे भी लोन बैंक ने दिया है। अभी तो 7% ऐसे कुछ है इंटरेस्ट साल का। आपने मतलब 10% दे के आपको प्रॉपर्टी मिल गई। आपको प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे दी तो जो बैंक का इंटरेस्ट है वो आपका किराए वो, हाँ, वो आप, अगर आपको 4,000 मिल रहा है, देखिए आपको 4,000 रेंट मिल रहा है ना, तो आपको ₹2,000 इंटरेस्ट पे करना है। वो 2,000 आपको प्रॉफिट भी हो गया और खुद आप फ्री भी रह रहे है ना, यानी खुद आप फ्री भी रह रहे एक तरह से। प्रॉपर्टी के काम में बड़ा अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे दानियल पूछ रहे थे वहीद भाई कहाँ गए, मैंने कहा कि जरा वो कपड़े पड़े आजकल काम निपटाने। हाँ, जब वहीद भाई को सब ये घुमा रहे थे, दिखा रहे थे सारी चीजें है ना अपना जो है। बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि रात में तो देर हो गई थी। तो अभी क्योंकि आज का ही था कि दिन में जाएंगे तो दिन में जरा थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल। सूरज की रोशनी की चीजें देखेंगे। अच्छा।